हाय हेलो दोस्तों, बॉलीवुड न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, तुम्हारा दोस्त फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज के साथ। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऋतिक रोशन की 5 फिल्में बताऊंगा जो उनकी अपकमिंग फिल्म है और जिसमें वो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 फिल्में हैं जो हमें 2021 और 2022 में दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, पहली फिल्म है क्रिस 4 और यह क्रिस 3 के बाद क्रिस 4 में भी हमें ऋतिक रोशन दिखाई देंगे। तो दोस्तों, यह बहुत बड़े बजट की फिल्म है जिसमें ऋतिक रोशन हमें डबल रोल में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, दूसरी फिल्म है द नाइट मैनेजर। यह एक वेब सीरीज है जो ऋतिक रोशन पहली बार हमें OTT पे नजर आएंगे और इसके कई पार्ट्स बनेंगे। तो दोस्तों, इसमें ऋतिक रोशन ने एक सीरीज के लिए 80 करोड़ रुपए चार्ज किया है। तो दोस्तों, तीसरी फिल्म है वार 2। यह वार का सीक्वल है और इस पे भी जल्दी काम शुरू होगा और इस फिल्म में हमें दोबारा फिर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ एक साथ दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इसके डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, यह भी हमें जल्दी दिखाई देगी। तो दोस्तों, चौथी फिल्म है हॉलीवुड की। ऋतिक रोशन ने एक हॉलीवुड की फिल्म भी साइन की है और हमें ऋतिक रोशन अब एक हॉलीवुड फिल्म में भी दिखाई देंगे जिसकी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और वह है इसकी तैयारी भी जोर शोर से कर रहे हैं। तो दोस्तों, पांचवी फिल्म है ओम रावत की महाभारत, जिसमें हमें ऋतिक रोशन के साथ प्रभास भी दिखाई देंगे और इस फिल्म की शूटिंग भी जल्दी शुरू होगी और यह भी एक बहुत बड़े बजट की फिल्म होगी। तो दोस्तों, यही मेरे पे 5 फिल्म थी जो मैंने आपके साथ शेयर की ऋतिक रोशन की। यह 5 फिल्में हमें कई कुछ सालों में दिखाई देंगी। तो दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आए इसे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। बाय।